Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with a modern history lecture, this is lecture number 5th. तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 4th व्हाट वी हैव डन. हम पहुंच चुके थे, हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल करा दिया था, स्वदेशी मूवमेंट कंप्लीट करा दी थी. और आपको याद होगा लास्ट कंप्लीट करते वक्त मैंने उस टाइम पे बताया था 1905 का बनारस सेशन, है ना, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के इस टाइम पे, जीके गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले. तो वहीं से वो अपन आगे कंटिन्यू करेंगे. याद है अगर जिसने मैं लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर जरूर देख लें, ठीक है, तो आपको ज्यादा कंटिन्यूटी बेटर समझ में आएगी. तो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, ठीक है, दोनों के पीछे प्रॉब्लम्स दिखने लगी थी, बट जीके गोखले की वजह से एक्सट्रीमिस्ट ने कुछ नहीं किया और सेशन आगे कंटिन्यू हुआ, ठीक है. उन्होंने कहा चलिए वेट करते हैं, है ना, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, वहां पर हम कुछ चाहेंगे कि हमारा चेयरमैन या तो हमारा प्रेसिडेंट कांग्रेस का हमारी पार्टी हमारे एक्सट्रीमिस्ट के ग्रुप से हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो देखिए अब जो हुआ, एक साल हो गया था 1905 में बनारस सेशन हुआ. नेक्स्ट सेशन जो 1906 का था वो होने वाला था कलकत्ता में. याद रखिएगा नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड एट दिसंबर 1906 एट कलकत्ता, ठीक है. अब एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, ठीक है, दैट इज लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष. तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका एजेंडा था कि हमें किसी भी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट की पोस्ट हमको चाहिए, ठीक है. और उसमें उनके जो नॉमिनेशन थे वो चाहते थे या तो बाल गंगाधर तिलक या तो लाला लाजपत राय को क्या मिल जाए, INC की प्रेसिडेंटशिप मिल जाए, ठीक है. अब दूसरे साइड अगर देखें तो मॉडरेट्स तो नहीं चाहेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर बन जाए, मतलब हेड बन जाए कांग्रेस के. तो उन्होंने फिर से एक ट्रम्प कार्ड खेला और इस टाइम में दे इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ, दे प्रपोज द नेम ऑफ दादा भाई नरोजी, ठीक है. और दादा भाई नरोजी जो थे, मैं आपको बता दूं, ही इज ऑन ए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब कांग्रेस से बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए थे, ठीक है, और हाईएस्ट रेपुटेटेड पर्सन दादा भाई नरोजी. तो उनको उन्होंने मॉडरेट ने सामने रख दिया कि इनको हमें बनाना है कांग्रेस का प्रेसिडेंट. तो एक्सट्रीमिस्ट फिर से कुछ नहीं कर पाए, उनको लगा अब दादा भाई नरोजी इतने सीनियर हैं, उनके अगेंस्ट हम अपोज नहीं कर सकते, ठीक है. तो उन्होंने अपोज नहीं किया और दादा भाई नरोजी क्या बन गए, कांग्रेस की INC के प्रेसिडेंट, ठीक है. बट उन्होंने कहा एक्सट्रीमिस्ट ने, ठीक है, प्रेसिडेंट आपके हैं, चलिए कोई बात नहीं, छोके वी एक्सेप्ट दादा भाई नरोजी, बट जो हमारे प्रपोजल्स हैं, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. तो उस टाइम पे इतना प्रेशर था मॉडरेट्स के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट का, कह सकते हैं कांग्रेस पर एक तरीके से किसका प्रेशर था, एक्सट्रीमिस्ट का. एक्सट्रीमिस्ट भी ग्रुप है कांग्रेस के अंदर ही जिसका बहुत ज्यादा प्रेशर था, ठीक है. तो उसको देखते हुए जो इस सेशन में रिजल्ट आया वो ये हुआ कि गोल ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस ने अपना गोल अडॉप्ट किया, व्हाट, एज अ स्वराज. और स्वराज ध्यान रखिएगा ये गोल कौन बोलता था, ये बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट. वो चाहते थे कि स्वराज जो है, ठीक है, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी द रोल ऑफ, मतलब गोल ऑफ कांग्रेस. तो फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट करवा लिया किस सेशन में, दैट इज कलकत्ता की सेशन में. तो उनकी एक जीत थी कि दे हैव गॉट द गोल ऑफ कांग्रेस, दैट इज याद रखिएगा स्वराज, ठीक है. और सेकेंड जो उनका गोल था वो भी उन्होंने एक्सेप्ट करा लिया इस सेशन में और रेजोल्यूशन भी पास करा दिया, दैट इज स्वदेशी. सेकेंड वन इज बॉयकॉट. जो थर्ड था दैट इज नेशनल एजुकेशन. तो याद रखिएगा ये जो गोल था उन्होंने ये एक्सेप्ट करवा लिया यहां पर, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट ने. तो एक्सट्रीमिस्ट की यहां पर जीत हुई अपन देख सकते हैं, देयर वाज अ विक्ट्री फॉर एक्सट्रीमिस्ट. क्यों, क्योंकि उनका जो गोल था वो जो चाहते थे स्वराज, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट हो, ठीक है, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर वर्क नहीं कर रहे, हम एक सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म करें. ऑफकोर्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे, वो यहां पर सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. बट मैं सही बताऊं, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज यही बहुत बड़ा डिबेट था. मतलब अगर आप देखेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट है इन्हीं के खुद की ही, मतलब स्वराज का क्या मतलब है एक्चुअली, तो अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं. कोई कह रहा है स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कोई बोल रहा है स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश के अंदर रहेंगे बट हम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है. तो अलग अलग मीनिंग थी, लेकिन स्टिल अभी अगर देखा जाए स्वराज जो उनको चाहिए था सेल्फ गवर्नमेंट वो उन कांग्रेस का गोल बन चुका था, और स्वदेशी बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन जो उनका एजेंडाज थे ये रेजोल्यूशन पास कर दिया गया इन कलकत्ता सेशन. तो इट वॉज अ विक्ट्री फॉर हुम, विक्ट्री फॉर एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंटशिप नहीं मिली उनको, बट स्टिल दे गॉट व्हाट, देयर एजेंडास टू बी गेट अप्रूव्ड इन द कांग्रेस, ठीक है. अब अगला साल आता है, दैट इज 1907. अब तो उनको चाहिए क्या, प्रेसिडेंटशिप. INC की प्रेसिडेंटशिप किसको चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट को. पिछली बार तो चलो एक बार उन्होंने जीके गोखले ला दिया, एक बार उन्होंने दादा भाई नरोजी ला दिया, ठीक है. इस बार एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि उनका लीडर क्या बने, 1907 में जो सेशन होने वाला है वहां पे उनके प्रेसिडेंट हों. तो अब देखिए इशू यहां पर क्या आता है, 1900 का जो सेशन था यहां पे डिबेट क्या आ गया कि जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे ये सेशन हो सूरत में, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे ये सेशन हो नागपुर में. इसका रीजन मैं आपको बता दूं,
देखिए जो सूरत है वो बॉम्बे प्रोविंस में आता था और जो नागपुर है वो आता था सेंट्रल प्रोविंस में, ठीक है। और आईएनसी का ये रूल था, इंटरनेशनल कांग्रेस का, कि जहां पर भी सेशन हो रहा है वहां का कोई लोकल व्यक्ति, याद रखिएगा, मतलब उस स्टेट का, होम स्टेट का कोई लोकल हुआ तो वो आईएनसी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो अगर उनको लगा सूरत में सेशन होता है तो सूरत में बॉम्बे सेशन होगा, और बाल गंगाधर तिलक यहीं के थे तो वो सूरत में क्या नहीं बन सकते, कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए मॉडरेट से कहां चाह रहे थे, वो चाह रहे थे सूरत में हो, जबकि कांग्रेस क्या चाह रही थी, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे थे कि ये कहां पर हो, नागपुर में, इसमें हमारे तिलक जो हैं वो बन सके क्या आईएनसी के प्रेसिडेंट। बट फाइनली अगर मैं बताऊं, देखिए इशू मैंने लिख भी दिया, होम स्टेट का इशू था तिलक वाला, ठीक है, कि तिलक क्या हो कि प्रेसिडेंट ना बन पाए, ठीक है। तो उन्होंने कहां पर सेशन फोर्स किया, सूरत पे। और फाइनली क्या हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, जो कांग्रेस के ही दो ग्रुप में, कांग्रेस के अंदर ही दो ग्रुप बन चुके थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इनके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया। फाइनली ये हुआ कि 26 दिसंबर 1907 को जो सेशन हुआ वो सूरत में हुआ, ठीक है। अगर सूरत में हुआ मॉडरेट जीत गए एक तरीके, सूरत में उन्होंने सेशन करा लिया। बट उनका ठीक है, तिलक नहीं बन सकता, एक्सट्रीमिस्ट हो जाए, हम किसी और अपने ही ग्रुप में से किसी को क्या बना देंगे, प्रेसिडेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो सूरत में सेशन होने लगा 26 दिसंबर 1907 में, और मॉडरेट्स ने क्या किया, अपने दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया, अपॉइंट क्या कर दिया, मतलब नॉमिनेट कर दिया, और वो थे राज बिहारी घोष, याद रखिएगा, राज बिहारी घोष को उन्होंने क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया कि ये होंगे अगले प्रेसिडेंट। इस बात पर अब तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया कि यार वी आर नॉट एबल टू गेट द प्रेसिडेंटशिप फॉर सिंस लास्ट 3 years, 1905 में नहीं मिला, 1906 में मिला, अब 1907 में भी आप इस व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हो, तो यहां पर क्या हो गया, एक इशू हो गया। कहते मैंने लिख भी रखा शू इंसिडेंट, एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राज बिहारी घोष, ये सब फ्रंट में बैठे हुए थे और किसी ने जूता उठा के फेंक दिया उनके ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहां पर जब इतना बड़ा मतलब इशू क्या हो गया, वायलेंस पे चला गया, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर देखा है तो उसका आउटकम क्या हुआ, तो एक तरीके से बिल्कुल मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई कह सकते हैं आप, वहीं पर सेशन में चालू हो गई, ठीक है। अपन ऊपर आते हैं, अब देखते हैं कि जो सेशन हुआ इसका आउटकम क्या निकला। तो देखिए सबसे पहला सेशन में याद रखिएगा, एब्यूज होने लगा, वायलेंस होने लगा, मैंने बताया आपको शू फेंक दिया गया इवन राज बिहारी घोष के सामने, ठीक है। इससे क्या हुआ, इट लेड टू सूरत स्प्लिट, ये सूरत स्प्लिट मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस में पहली बार दो ग्रुप ऑफिशियली अलग हो गए। कहने का मतलब कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन सूरत सेशन में, ठीक है। इससे रिजल्ट क्या निकला, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको आईएनसी से निकाल दिया गया, दे आर गेट थ्रोन आउट फ्रॉम आईएनसी, कांग्रेस से निकाल दिया गया। और गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो सब देख रही थी, उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि ब्रिटिश इंडिया कांग्रेस जो थी वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई है। उन्होंने क्या किया, जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो ज्यादा ही हल्ला कर रहे थे उनको उन्होंने कांग्रेस ने अटैक, गवर्नमेंट ने अटैक करने की कोशिश किया, अटैक करने का मतलब उनको जेल भेज दिया, ठीक है, उन पर स्ट्रिक्टली रिप्रेशन किए, उनके लाठीचार्ज वगैरह की, तो ये सब गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमिस्ट के साथ किया। तो एक्सट्रीमिस्ट के साथ बुरा ही हुआ, कांग्रेस से भी निकाल दिए गए, गवर्नमेंट भी उनको परेशान कर रही है। और मॉडरेट्स के साथ क्या हुआ रिजल्ट, मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट के साथ ये किया, और एक्सट्रीमिस्ट के पास एक चीज थी क्या, दैट इज मास सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट जो था वो एक्सट्रीमिस्ट के पास था। तो मॉडरेट्स के साथ जब एक्सट्रीमिस्ट की प्रॉब्लम्स हुई, इससे क्या हुआ, जो उनका पॉपुलर बेस सपोर्ट था पब्लिक, वो भी उनसे दूर हो गई। तो मॉडरेट्स जनरली इंटेलेक्चुअल क्लास हुआ करती थी, ठीक है, जो हाईली एजुकेटेड होती थी, ठीक है, तो वो तो उनसे क्या पब्लिक दूर हो गई, जो इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट थे पब्लिक को पास लाया था कि जनता जो है मास स्ट्रगल करेंगे, मास रेवोल्यूशन करेंगे जनता की हेल्प करके। तो आप देख सकते हैं मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दोनों में ही प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। इससे अपनी जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो क्या हो गई, वीक हो गई, और दैट लेड टू स्वदेशी जो मूवमेंट था वो 1908 में ओवर हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्वदेशी मूवमेंट 1908 में ओवर हो गया। अगर मैं फेलियर्स बताऊं कि स्वदेशी मूवमेंट क्यों फेल हो गया, तो सबसे पहले देख सकते हैं जो गवर्नमेंट का एक्शन था टुवर्ड्स व्हाट एक्सट्रीमिस्ट, आप देख सकते हो रिप्रेशन, मतलब उनको किस तरह सबको उठा के जेल भेज दिया गया। मैं एग्जांपल बताऊं कैसे उनका रिप्रेशन किया गया लीडर्स का, बताऊं जो तिलक थे उनको 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया, ठीक है। तो 1908 से 1914 तक तो जेल में रहेंगे, और जेल भी कहां, रंगून म्यांमार में उनको जेल भेज दी गई, ठीक है। और सिडिशन चार्जेस में कि भाई तुम हमारे खिलाफ पेपर में उल्टा सीधा लिखते हो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो हम तुमको 6 साल के लिए जेल भेजते हैं, तिलक हट गए, ठीक है। जो अरबिंदो घोष थे, ठीक है, उनको वो तो उन्होंने संन्यास ले लिया पूरी तरीके से, वो स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ गए, पांडिचेरी जाकर उन्होंने अपना आश्रम भी एस्टैब्लिश कर लिया कि अब मैं स्पिरिचुअलिज्म की ओर फेवर करूंगा, मैं ये सब चीजें बंद करता हूं, ठीक है। लाला लाजपत राय वो तो यूएसए चले गए,
ठीक है, तो लाल लजपत राय भी इंडिया से बाहर चले गए। जो बिपिन चंद्र पाल थे, जो लाल बाल पाल थे, तो पाल ने कहा जब सभी जा चुके हैं तो मैं क्या करूंगा, तो उन्होंने पॉलिटिक्स से ही क्विट कर दिया, मतलब रिटायरमेंट ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्शन की वजह से बाकियों का क्या हुआ है ना। और सेकेंड रीजन क्या हुआ, फेलियर स्वदेशी मूवमेंट अगर देखा है तो सूरत स्प्लिट, जिस पार्टी की पार्टी ही दो पार्ट्स में टूट जाए तो जनता कैसे कॉन्फिडेंस में रहेगी। तो स्वदेशी मूवमेंट क्या हुई, दब गई, मतलब ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ सूरत स्प्लिट मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए और पार्टी टूटने की वजह से एक तरीके से लोगों के बीच का कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया। और तीसरा लीडरशिप क्राइसिस, मैंने आपको बताया जो भी लीडर्स थे वो सब क्या हुए, वो सब इधर उधर चले गए, कोई जेल जा रहा है, कोई देखिए इंडिया से बाहर जा रहा है, कोई स्पिरिचुअलिज्म की ओर मूव कर रहा है। तो इससे लीडरलेस क्राइसिस आ गई, मतलब लीडरशिप क्राइसिस, कोई लीडर्स ही नहीं बचे, ठीक है, वोट को लेड करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ रीजन देखूं, मैंने तीन रीजन आपको बता दी, फोर्थ रीजन देखूं, डिफिकल्ट टू सस्टेन अ मास बेस्ड मूवमेंट फॉर टू लॉन्ग। याद रखिए जो मास बेस्ड, मतलब जिसमें बहुत ही जनता इन्वॉल्व रहती है, ऐसे मूवमेंट्स को बहुत टाइम तक कंटिन्यू करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चालू हो गई थी आपको पता होगा, और इतने साल से कंटिन्यू स्ट्रगल हो रहा था, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू सच अ लॉन्ग स्ट्रगल। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। और जनरली इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अपर और मिडिल क्लास के लोग थे, तो रिवोल्ट इज कन्फाइंड टू अपर एंड मिडिल क्लासेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव है कि ज्यादा लोग वर्क नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर पैसिव रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया, इन्होंने बोलता हम स्वदेशी मूवमेंट में पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, किसको, ब्रिटिशर्स की चीजों को, लेकिन ये सिर्फ पेपर में रह गया, मतलब ये सिर्फ आइडियल रह गया कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इतना पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। तो याद रखिए ये सिर्फ आइडियल कॉन्सेप्ट में रह गया, दैट लेड टू द फेलियर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी निकले हैं स्वदेशी मूवमेंट से, जैसे कि क्या पॉजिटिव निकले, इट्स अ टर्निंग पॉइंट, ठीक है, टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्यों टर्निंग पॉइंट, क्योंकि पहली बार देखा गया कि इतनी ज्यादा जनसंख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नेगेटिव्स मैंने बताया कि कन्फाइंड था कुछ अपर और मिडिल क्लास में, बट याद रखिएगा स्टिल वी कैन से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हुआ, पहली बार जनता ने मास स्ट्रगल ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इट वॉज वी कैन से इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री, एक ये पॉजिटिव निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, जो कॉलोनियल रूल है ना वो पावरफुल है, हमेशा याद रखिए ऐसा नहीं होता है। तो जो कॉलोनियल रूल की हेगमनी थी, मतलब ये हम पावरफुल हैं, ये पहली बार ब्रोकन हुई स्वदेशी मूवमेंट से, जब जनता, मैंने आपको बताया, इस तरह ब्रिटिशर्स का विरोध कर रही थी, तो ये एक फायदा हुआ। देन पहली बार एक ऐसा हुआ, सिर्फ पॉलिटिकल वर्क से हमने अपोज नहीं किया मूवमेंट को, दिस टाइम हमने आर्ट्स का इस्तेमाल किया, मैंने आपको बताया था लिटरेचर, जैसे बताया था मैंने, आपको याद होगा कि आमार शोनोर बांग्ला ये गाना लिखा था किसे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो लिटरेचर का इस्तेमाल, साइंस का यूज, इंडस्ट्रीज का, नॉट ओनली पॉलिटिकल एक्शन वर टेकन, दीज एक्शन वर ऑल्सो सपोर्टेड इन द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये कुछ पॉजिटिव है, याद रखिएगा किसका, स्वदेशी का। नेगेटिव, एक छोटा सा नेगेटिव ये है, याद रखिएगा इसमें देखा जाए तो मुस्लिम्स इतने लार्ज सेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे स्वदेशी मूवमेंट पे, ठीक है। इसका भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूं जब मैं मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करूंगा आपके सामने, तो याद रखिएगा, बस इतना रखिएगा, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम स्टेड अवे विद द रिवोल्ट, ठीक है। और इसको अपन आगे अपने कमिंग लेक्चर्स में आपको इसको और क्लियर करूंगा, मुस्लिम लीग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उस टाइम पे एक नई मुस्लिम्स की पार्टी बन गई थी, दैट इज मुस्लिम लीग, इसलिए उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल का फेवर, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल का फेवर कर दिया था कि हाँ पार्टीशन सही हुआ है, ठीक है। इसको अपन आगे देखेंगे, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है आज का वो है डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। इतना पढ़ने के बाद मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप आंसर राइटिंग में कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैंने बना रखा बहुत अच्छा डायग्राम, देख सकते हैं। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, लीडर्स तो आपको पता है एक एक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर मैं सोशल बेस पूछूं किसका सोशल बेस क्या था, तो जो मॉडरेट्स था उसका सोशल बेस जनरली जमींदार और अर्बन क्लास पीपल थे, ये लोग सपोर्ट करते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट को रूरल और लोअर क्लास पीपल सपोर्ट करते थे। तो ज्यादा लोग क्या थे, रूरल पीपल थे, तो ज्यादा बड़ा सोशल बेस किसका है, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है। सेकंड, आइडियोलॉजी की बात करूं तो इंटेलेक्चुअल क्लास थी मॉडरेट्स, तो वो वेस्टर्न थॉट्स की लिबर्टी वगैरह के कॉन्सेप्ट को फेवर करते थे, तो वेस्टर्न थॉट्स को फेवर कौन करता था, याद रखिएगा मॉडरेट्स, ठीक है। जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो इंडियनाइजेशन को फेवर करते थे, स्वदेशी, मैंने अभी आपको बताया था, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इन सब चीजों को फेवर करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, बिलीव्ड में अगर बताऊं तो याद रखिएगा उनका ऐसा मानना था जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर गुड फॉर इंडिया, मतलब वो इतने पढ़े लिखे लोग हैं ब्रिटिशर्स तो इंडिया के लिए अच्छा करेंगे, ठीक है। जबकि एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे, नो, ब्रिटिशर्स आर नॉट गुड फॉर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखा है डिमांड,
तो जो मॉडरेट्स थे वो तो कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर दीजिए, मतलब थोड़ा बहुत हमें रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, है ना, तो हमको एकदम मेजर चेंजेस नहीं चाहिए, वी नीड ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। जबकि एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, दे वांट स्वराज, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ऐसी डिमांड करते थे, ठीक है। और अगर मेथड की बात करूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस मेथड से प्रोटेस्ट करना है, तो जो मॉडरेट्स थे वो कभी भी कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो 3P का इस्तेमाल करते थे। व्हाट इज 3P? प्रेयर करते थे जाकर पिटिशन से कि आप ये काम करा दीजिए हमारा, या पिटिशन फाइल कर देते थे कि आपको ये काम करना चाहिए हमारे लिए, या तो पासिंग द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशंस पास करते रहते थे कि हाँ हम पिटिशन के अगेंस्ट हैं, इन्होंने ये गलत किया है। तो दिस इज द ओनली वे ऑफ व्हाट, मॉडरेट्स। तो याद रखिएगा PPP, प्रेयर पिटिशन एंड पासिंग रेजोल्यूशन। जबकि एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, पैसिव रेजिस्टेंस, बॉयकॉट, ऐसे मेथड्स अपनाते थे, एक्सट्रीम मेथड्स अपनाते थे ब्रिटिशर्स को देश से हटाने के लिए। तो आप देख सकते दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब अपन यहां पर लेक्चर अपना ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूं जो लेक्चर में 6 आने वाला मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें हम क्या देखने वाले हैं, वहां पर हम देखेंगे कि ये असेसमेंट देखेंगे, ठीक है, कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट से क्या अपन को सीखने को मिला है इनकी इतने सारे रिवोल्ट की वजह से। और फिर देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मेन टॉपिक रहने वाला है अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और इसका छोटा सा पार्ट बचा हुआ है वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। जो मेन टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, और हिस्ट्री को हम आगे मॉडर्न हिस्ट्री को अपने कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज अगर हो, आपको कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, चाहे वो रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री हो या किसी भी पूरा कंप्लीट पैकेज भी आपको चाहिए हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। थैंक यू।